अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एक नई वीडियो में आपके साथ हाजिर हूँ एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। बहुत सारे लोगों को पहले एक वीडियो बना के दी थी टेंडा राउटर के बारे में, N301 के बारे में। तो कुछ लोगों की उसमें थी कि रेंज का इशू आ रहा था, तो उसके लिए ये एक नई डिवाइस लेके आया हूँ आपके लिए जो आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देगी। बहुत सारे लोग इस डिवाइस से वाकिफ़ हैं, जो नहीं वाकिफ़ ये वीडियो उनके लिए है, और शायद कुछ चीज़ें ऐसी हों जो उन लोगों को भी ना पता हों जो ये यूज़ कर रहे हैं। इस डिवाइस के अंदर बहुत सारे फीचर्स हैं, 5 dBi के एंटीनाज हैं, उसके अलावा बहुत सारे एक्स्ट्रा ऑप्शंस हैं इसके अंदर, और सबसे बड़ी बात कि ये वायरलेस ब्रिज का काम भी करती है। मतलब अब आपको अगर आप करीब से कनेक्शन लगाना चाह रहे हैं या अपने घर में रेंज को बढ़ाना चाह रहे हैं तो केबल वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर पे आप कहीं भी अगर इंटरनेट को एक्सेस करना चाहते हैं और वहाँ सिग्नल ठीक से नहीं पहुँच रहे तो ये डिवाइस आपके लिए बेस्ट है। इसमें इथरनेट पोर्ट्स दी गई हैं, अगर आप कैमरास को या पीसी को कनेक्ट करना चाहें। साथ में इसके जो है पावर सॉकेट दी गई है और रीसेट बटन दिया गया है, यहाँ अडाप्टर की पिन लगा सकते हैं आप। तो इसके साथ LED, मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, आप सारी चीज़ें एट अ टाइम यूज़ कर सकते हैं और सही ज़बरदस्त जो है इसमें स्पीड भी आपको मिलेगी। इसको ओपन कर लेते हैं और फिर आपको अंदर से इसकी लुक दिखाते हैं। इसमें सबसे ज़बरदस्त बात यह है कि इसमें 2-3 मॉडल्स आ रहे हैं। अब आपको कौन सा मॉडल ख़रीदना चाहिए वो भी आपको ये वीडियो में मैं बताऊंगा। वीडियो को मुकम्मल देखें आप। ये जो आपके सामने इस टाइम डिवाइस है ये बहुत ज़बरदस्त काम कर रही है, सिग्नल स्ट्रेंथ इसकी बहुत ज़्यादा है। लेकिन एक ऐसी डिवाइस है इसके अंदर F3 में, सेम प्राइस में, सेम मॉडल में, जिसकी रेंज इससे भी ज़्यादा है। मैंने तो पर्सनली यूज़ की हैं डिवाइसेस सारी, तो इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ। वो डिवाइस के लिए आपको एक और वीडियो में बना के पूरी डिटेल भी दूंगा उसकी। इस वीडियो में मैं सिर्फ उस डिवाइस के बारे में आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दूंगा कि वो इससे ज़्यादा रेंज में जो आती है, सेम मॉडल होता है उसका भी F3, डिफरेंस क्या होता है वो बताऊँगा आपको। इसमें कैसे पता चलेगा आपको कौन सी डिवाइस बाय करनी चाहिए वो, ये इसके साथ अडाप्टर दिया गया है जिसकी मदद से इस डिवाइस को आप ऑन कर सकते हैं। काफ़ी पावरफुल अडाप्टर है जो कि ख़राब नहीं होता इतनी जल्दी, काफ़ी टाइम चलता है। मेरे पास तो 5-5 साल से चल रहे हैं ये, कोई इशू नहीं आया इनमें। और ये डिवाइस है। अब इस डिवाइस के अंदर और उस डिवाइस के अंदर डिफरेंस क्या है? सेम एंटीनाज हैं, सेम साइज़ है, सारा कुछ सेम है, लेकिन इनके जो ये बैक साइड पे ये इथरनेट पोर्ट्स हैं ये भी सेम है, सारा कुछ उसमें भी ऐसा ही है। फ़र्क क्या है उसमें? फ़र्क मैं आपको दिखाता हूँ अभी। यहाँ ये रीसेट बटन भी सब कुछ सेम है, वैन सर्विस के लिए भी दी गई है, ये IP एड्रेस और ये चीज़ें भी सारी सेम सेम। यहाँ पे जो सामने फ्रंट डिस्प्ले पे लाइट्स आ रही हैं, इसमें हर एक चीज़ के लिए अलग अलग लाइट है। उस डिवाइस में जिसकी रेंज इससे भी ज़्यादा है, सिर्फ एक लाइट है ब्लू कलर की, ओनली वन लाइट, एक LED लाइट है, और उसकी रेंज को मैंने इससे भी ज़्यादा पाया है। अगर आप में से कुछ दोस्त वो इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनको इसके बारे में पता होगा। अगर आप बाय करना चाहते हैं, ये डिवाइस भी बेस्ट है आपके घर के लिए, लेकिन अगर आपको उसी शॉप में दूसरी डिवाइस अवेलेबल है परचेज़ करने के लिए, तो दोनों में से आपको वो डिवाइस परचेज़ करनी चाहिए जिसमें सिंगल लाइट हो, क्योंकि उसकी रेंज जो है वो इससे भी ज़्यादा है और आपकी प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करेगी। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही मौजूद बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। नेक्स्ट आपके लिए मैं दूसरी डिवाइस की वीडियो लेकर आऊँगा, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।